पहले तो हेड टीचर की बात करें तो इसका जो फाइनल रोस्टर है वो आयोग को जो है वो हो गया है प्राप्त। कुल 37,000 से ज़्यादा जो रिक्तियां हैं वो आयोग को प्राप्त हुआ है। अब जल्द ही GAD से भी आयोग को जो है वो रोस्टर जो है वो मिलेगा। TRE 3 के TGT और PGT के रोस्टर को लेकर के अगर बात करें तो शिक्षा विभाग ने आज GAD को जो है वो भेजा है। अब 4 से 5 दिनों में बचे जो सभी रोस्टर हैं वो आयोग को मिलने की जो है संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। पहले हेड टीचर और HM का रिजल्ट जो है वो जारी होगा और TRE 3 के PGT का फाइनल आंसर की आज हर हाल में जो है वो जारी हो जाएगा। कितने बजे जारी होगा तो आंसर की फाइनल रूप से अपलोड होना यहाँ पर शुरू भी हो गया है और रात के 10 बजे तक ये वेबसाइट पर आप जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले भी जो टाइमिंग यहाँ देखने को मिलती है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। हो सकता है आपको 9 से 9:30, 10 से पहले भी टाइमिंग के देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत लेट लतीफ भी हो जाता है, पर यहाँ पर एक लाइन पर क्लियर कर दिया है कि फाइनल रूप से आज देखने को मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकलॉग सीटों के लेकर के। तो TRE 3 में अब कोई भी बैकलॉग सीटें जो है वो नहीं जुड़ेंगी, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। कट ऑफ अगर बैकलॉग सीटें जुड़ जाती हैं तो कम जाने के चांसेस होते हैं, परंतु बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है, इस बात को भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये सारी अपडेट थी जिससे आयोग उम्मीद है जल्दी जो है वो जो प्रक्रिया अपनी तेज करेगा ताकि रिजल्ट में और ज़्यादा जो है वो जल्दी जो है वो की जा सके। जो टारगेट रखा जा रहा है अक्टूबर लास्ट तक, उम्मीद है कि कोई ना कोई रिजल्ट आपको स्टार्ट होते हुए वहाँ पर देखने को मिल पाए। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।